हेलो दोस्तों, स्वागत आप सभी का कृष्णा शर्मा यूट्यूब चैनल पर। कैसे हैं सभी? बढ़िया होंगे। देखिए दोस्तों, ट्रिग्नोमेट्री के अपन लगभग 5 लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं और अपन बहुत ज़्यादा सिलेबस पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ। देखिए, मैं जैसे जैसे कॉन्सेप्ट पढ़ाता जा रहा हूँ उसके कुछ कुछ क्वेश्चन मैं आपको साथ के साथ कराता जा रहा हूँ, ठीक है। क्यों? ताकि आपको ये ध्यान रहे कि कॉन्सेप्ट कैसे काम आएगा। बाकी मेरी प्लानिंग ये है कि एक बार सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होने के बाद में मैं क्वेश्चंस करवाऊंगा लगभग 3-4 लेक्चर तक कंटिन्यू। अच्छा, बल्कि 0 लेवल से लेके हाई लेवल तक आपके मॉडरेट क्वेश्चन, सभी तरह के क्वेश्चन मैं आपसे डिस्कस करूंगा। और ऐसे क्वेश्चंस भी जो अब तक एग्जाम में नहीं आए बट आ सकते हैं, और उनको डायरेक्ट कैसे अटैम्प्ट करना वगैरह वगैरह। तो अभी आप ज़्यादा लोड ना ले, मैं आपको सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। बात की बात है, वो पहले पर एक एक पॉइंट को ध्यान से समझेंगे। अब मैं आज एक इंपॉर्टेंट पैटर्न लेके इस क्लास में डिस्कस करूंगा। देखो, सबसे इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। देखो ये क्या कहना चाहता है। देखो दोस्तों, अगर आपको एग्जाम में कभी भी sec थीटा प्लस tan थीटा दिख सकता है, क्या बोल रहा हूं मैं, sec थीटा प्लस tan थीटा बराबर दिख सकता है, और बराबर आपको बोल दिया जाए x, बराबर क्या बोल दिया जाए आपको, x बोल दिया जाए। अब वो आपसे x की जगह कुछ भी दे सकता है, x की जगह वो कुछ भी दे सकता है, 2, 3, 5, √5, जो उसकी इच्छा है वो कुछ भी दे सकता है x की जगह। इतना देखकर वो आपसे कुछ भी पूछ सकता है। कुछ भी पूछने का मतलब है sin थीटा पूछ सकता है, cos थीटा पूछ सकता है, tan थीटा पूछ सकता है, cot थीटा आपका sec थीटा या cosec थीटा, या दोनों का योग भी पूछ सकता है। मेरे कहने का मतलब sin थीटा प्लस cos थीटा की वैल्यू पूछ सकता है, tan थीटा प्लस cot थीटा की वैल्यू पूछ सकता है। कब? ये देखकर। अब सर, ये देखकर पूछ सकता है तो हम कैसे करेंगे, समझ में आ रहा है? कैसे भी पूछ सकता है, अगर एक चीज़ पूछे तो अपन कर सकते हैं, कुछ भी पूछ सकता है। तो कुछ भी पूछ सकता है के लिए देखो, मैं डायरेक्ट तरीके बताऊंगा। और यही चीज़ें नहीं है, देखो आपको ये भी दे सकता है, दूसरा पैटर्न आपको ये भी दे सकता है वो sec थीटा माइनस tan थीटा बराबर एक्स, आपको ये भी दे सकता है वो cosec थीटा प्लस cot थीटा बराबर एक्स, आपको ये भी दे सकता है वो cosec थीटा माइनस cot थीटा बराबर एक्स। ये 4 तरीके से घुमा के दे सकता है कुछ भी, और कुछ भी पूछ सकता है sin cos tan cot sec cosec में से कुछ भी, या 2-3 को भी जोड़ के दे देगा, कुछ भी पूछ सकता है। ये 4 पैटर्न बनाएगा, या तो ये दे देगा या ये दे देगा एग्जाम में, या फिर ये या फिर ये, और कुछ भी पूछ सकता है। अब देखो कैसे करने हैं, आप केवल समझने पर ध्यान देंगे भी थोड़ी देर के लिए, ठीक है। पहले मैं एक को डिस्कस कर रहा हूँ, पहले को, ठीक है, बस समझने थोड़ा ध्यान देंगे। अब मुझे एक बात बताओ, ये आपको दिया हुआ है sec थीटा प्लस tan थीटा बराबर एक्स, आपको दिया हुआ है, ये तो आपको दिया हुआ है, ठीक है, एग्जाम में। अब मैं इसको सॉल्यूशन करने के लिए, इसको सोल्व करने के लिए यहाँ पे मैं sin cos tan cot sec cosec निकालना चाहता हूँ। इसके लिए मुझे एक बात बताओ, क्या आप मुझे इसकी सहायता से sec थीटा माइनस tan थीटा की वैल्यू बता सकते हो क्या होगी, अगर आपको ये दे रखा है कि sec थीटा प्लस tan थीटा बराबर में x है, तो क्या आप मुझे इसके जरिए ये बता सकते हो कि sec थीटा माइनस tan थीटा क्या होगा? नहीं बता सकते हो, देखो ध्यान दो, बिल्कुल बताओगे आप ही बताओगे, देखो ध्यान दो। आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी है कि sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हुआ कि नहीं हुआ, यानी कि आप इसको लिख सकते हो sec थीटा प्लस tan थीटा और इनटू में sec थीटा माइनस tan थीटा इज इक्वल टू 1, बोलो लिख सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत? ठीक है, तो मुझे बताओ यहाँ से sec थीटा माइनस tan थीटा बराबर क्या बना, बराबर 1 अपॉन, ये मल्टीप्लाई है दोनों तो ये नीचे चला जाएगा, sec थीटा प्लस tan थीटा, यही बना बोलो, ठीक है। यानी कि कुल मिला के sec थीटा माइनस tan थीटा बराबर बना 1 अपॉन sec थीटा प्लस tan थीटा, बराबर क्या बना 1 अपॉन sec थीटा प्लस tan थीटा, जिसके वैल्यू क्या दे रखी है x। यानी कि आप इससे ये चीज़ को लिखना चाहो तो ये हो जाएगा 1 अपॉन x, ठीक है। ये इक्वेशन फर्स्ट है, ये इक्वेशन सेकंड है, ठीक है, क्लियर है सभी के यहाँ तक? अब जान दो, ये इक्वेशन फर्स्ट, केस फर्स्ट में मैं क्या कर रहा हूँ, पहले कंडीशन में मैं दोनों को जोड़ रहा हूँ, यानी एक में किसको जोड़ रहा हूँ, 2 को, दोनों इक्वेशन को जोड़ूंगा। तो देखो जोड़ने का तरीका आप जानते हो, दोनों को जोड़ेंगे तो ये प्लस का tan थीटा, ये माइनस का tan थीटा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। अगर ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो क्या बचेगा, sec थीटा प्लस sec थीटा क्या हो जाएगा, 2 sec थीटा, और बराबर में क्या बचेगा, दोनों जुड़ जाएगा, ये भी दोनों प्लस में, x प्लस 1 अपॉन x, सोलो करेंगे तो क्या बनेगा, 2 sec थीटा x स्क्वायर
प्लस वन बटे एक्स। तो sec थीटा बराबर क्या बना, sec थीटा बराबर बना एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन टू एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन टू एक्स। ये sec थीटा आ गया आपका यहाँ से। अगर आपको ये देता है तो आप ये करने की जरूरत नहीं है, एग्जाम में आपको ये ध्यान रखना है कि sec थीटा प्लस tan थीटा बराबर x है, तो sec थीटा निकालने का फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन टू एक्स। अब आप कहोगे सर ऐसे कहाँ तक फॉर्मूला याद करेंगे, बिल्कुल भी नहीं करना है, मैं सारे आपको अभी क्लियर कराऊंगा एक साथ। ये तो आ गया sec थीटा। अगर आपको tan थीटा निकालना है, मैं इसको क्लियर कर रहा हूँ एक बार, ये मैंने इसलिए समझाया है कि ये कहाँ से आएगा, ठीक है, और ये आपने नोट डाउन कर लिया होगा मेरे हिसाब से, एक बार लिख सकते हो इसको यहाँ तक, क्योंकि मैं उसको क्लियर करूँगा अभी। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, चीज़ों को समझने का प्रयास करो, कोई डायरेक्ट पढ़ा नहीं रहा हूँ मैं, एक एक चीज़ को एक एक पॉइंट को क्लियर करके बता रहा हूँ आराम से, वरना मेरे को कोई ज़रूरत नहीं थी, मैं डायरेक्ट ये लिख के आपको डायरेक्ट ये भी लिखा सकता था कि जब ये देगा तो ऐसा होगा, बट क्यों होगा ये आपको आना चाहिए। अगर ऐसे पढ़ोगे ना तो आपके दिमाग में लोड नहीं बढ़ेगा, आपको ये नहीं क्लियर होगा कि यार ये कहाँ से आया, ये कहाँ से आया, आपके सारे चीज़ों का जब तक आपके पास जवाब नहीं होगा तब तक आप तैयारी नहीं कर सकते प्रॉपर तरीके से, अपने आप को सेटिस्फाई नहीं कर सकते। अब ध्यान दो, नेक्स्ट देखो, अब ये तो sec थीटा आ गया। अब दूसरा केस में मैं क्या कर रहा हूं, केस सेकंड में मैं समीकरण एक और समीकरण दो को माइनस कर रहा हूँ, समीकरण एक और समीकरण दो को माइनस कर रहा हूँ। अगर मैं दोनों को माइनस करूँगा तो इसमें से अगर मैं इसको माइनस करूँगा तो ये माइनस होगा, ये प्लस होगा, ये माइनस होगा, आपको आना चाहिए ये, तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा क्योंकि ये प्लस का ये माइनस का, ये माइनस माइनस के हो जाएगा प्लस, यानी कि और ये ऑलरेडी प्लस है, तो टेन थीटा और एक टेन थीटा, कितने टेन थीटा हो गए, टू टेन थीटा, और बराबर में x था, ये माइनस हो ही जाएगा, माइनस करा है तो क्या बचेगा, x माइनस वन अपॉन एक्स। तो कुल मिला के बताओ tan थीटा बराबर क्या बनेगा, x गुणा x, x स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स, और दो इसके जो मल्टीप्लाई में थे यहाँ पे वो नीचे आ जाएगा, तो क्या बना tan थीटा की वैल्यू क्या आ गई, x स्क्वायर माइनस वन अपॉन टू एक्स, sec थीटा आ गया, tan थीटा आ गया। अब मैंने क्या पूछा आपसे कि साइन कोस टेन कोट सेक कोस कुछ भी पूछ सकता है वो आपसे, सेक और टेन तो आ गया, सेक आ गया तो आपके पास कोस भी आ जाएगा, क्यों, क्योंकि सेक और कोस एक दूसरे का अपोजिट होते हैं, जो इसकी वैल्यू आएगी उसका उल्टा कर देंगे तो क्या आ जाएगा कोस, टेन आ गया तो टेन का उल्टा कर देंगे तो क्या आ जाएगा कोट, यानी कि चार आ चुके हैं आपके पास में। अब आपकी बारी है साइन और कोसेक को लाने की, ठीक है, क्योंकि सेक आ गया तो कोस आ जाएगा, टेन आ गया तो कोट आ जाएगा, बच रहे साइन और कोसेक, अगर उनमें से एक मिल जाएगा तो दूसरा आ जाएगा अपने आप ही। अब ध्यान दो, मैंने क्या किया टेन थीटा में किसका भाग दिया, सेक थीटा का, ठीक है, टेन थीटा में किसका भाग दिया, सेक थीटा का। जरा टेन थीटा की वैल्यू बताना कितनी आई है, एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन टू एक्स, ठीक है, और सेक थीटा की वैल्यू कितनी आई है, एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन टू एक्स, टू एक्स से टू एक्स कट जाएगा। टेन थीटा को मैं क्या ले सकता हूँ, साइन थीटा बटे कोस थीटा, टेन थीटा को मैं क्या ले सकता हूँ, साइन थीटा बटे कोस थीटा, और सेक थीटा को क्या ले सकता हूँ, वन अपॉन कोस थीटा, और बराबर में क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस वन बटे एक्स स्क्वायर प्लस वन, कोस से कोस कट जाएगा, क्या बचा ओनली साइन थीटा। तो बताइए साइन थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, साइन थीटा के बराबर क्या आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन। अब साइन आ गया तो कोसेक अपने आप आ जाएगा आपके पास में, यहाँ तक मेरे ख्याल से किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये एग्जाम में सोल्व नहीं करना है, आपको ये ध्यान रखनी है बस तीन चीज़ें, एक दो और एक तीन, ठीक है, कि sec tan थीटा बराबर x देगा तो एक तो आएगा sec थीटा, एक आएगा tan थीटा, और sec और tan को मिला के बनेगा sin थीटा, ठीक है। अब सर इसी में माइनस क्या जाएगी तो क्या करेंगे फिर, अभी तो cosec और cot की बच रही है, प्लस और माइनस दोनों वाली, तो ऐसे तो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, बिल्कुल भी नहीं, बस अब ये चीज़ें क्लियर हो गई। इसी प्रकार सारी चीज़ें निकालेंगे तो आप इसको केवल ध्यान से देख लीजिए, इसको ध्यान से नोट डाउन कर लो, बाकी मैं चीज़ें डायरेक्ट लिख रहा हूँ क्योंकि आपको तरीका पता लग गया कि कौन सी चीज़ कैसे आएगी, ठीक है, एक बार फटाफट नोट डाउन कर लो इसको। चीज़ों को समझने का प्रयास करो, कोई चीज़ हार्ड नहीं है, बहुत इजी इजी चीज़ें हैं, अगर आप पढ़ोगे सिक्वेंस वाइज कॉन्सेप्ट वाइज बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। चलिए आगे देखते हैं, बाकी मैं लिख अभी नोट शॉर्ट में लिखवाऊंगा, वो टेंशन मत लेना। अभी देखो
अभी केवल समझने का प्रयास करेंगे, शॉर्ट में मैं एक बार चारों चीज़ें डिस्कस करने के बाद एक साथ लिखवा दूँगा। यानी कि मुझे एक बात बताओ, अब देखो आप देख ही लो एक साथ, अब देखो सारी चीज़ें मैं एक साथ लिखने जा रहा हूँ। पहली कंडीशन मैंने क्या बताई, अगर आपको sec थीटा प्लस tan थीटा बराबर में x देगा तो आपसे क्या क्या पूछ सकता है। पहली चीज़ पूछ सकता है वो आपसे sec, यानी अगर ऐसा देता है तो आप एक तो निकलता है यहाँ से sec थीटा, तो sec थीटा का फॉर्मूला क्या निकला, x स्क्वायर प्लस वन अपॉन टू एक्स। tan थीटा का क्या निकला दोस्तों, tan थीटा का निकल के आया x स्क्वायर माइनस वन अपॉन टू एक्स। sec और tan को मिलाया तो हमने क्या बना, sin थीटा। टेन में जब sec का भाग लगाया तो क्या बना, साइन थीटा। और इसका फॉर्मूला निकल के आया एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन। ये तीन फॉर्मूले निकल के आए, और तीन निकल के आ गए तो तीन से तीन और हम आराम से बना सकते हैं उल्टा करके, तो वो याद करने की जरूरत है नहीं। यहाँ तक क्लियर होगा कि सभी के कोई दिक्कत नहीं होगा। जब भी प्लस वाली फॉर्मेट आएगी तो sec के लिए एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन टू एक्स कर दोगे, tan थीटा के लिए एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन टू एक्स कर दोगे, और इन दोनों का कॉम्बिनेशन tan में sin sec का भाग लगाओगे तो sin बचेगा, तो sin थीटा निकाल दोगे एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन। ठीक है, नेक्स्ट इसी में अगर माइनस किया जाए तो क्या करोगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो आपको ऐसे दे दे कि sec थीटा माइनस tan थीटा बराबर x, और अब आपसे पूछ ले बताओ sec थीटा बराबर क्या होगा। कुछ नहीं होगा, सेम ऐसे कैसा रहेगा ये, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन टू एक्स ही रहेगा, बिल्कुल भी चेंज नहीं है। ठीक है सर, फिर चेंज किस में होगा, बाद वाली फॉर्मेट में होगा चेंज। ठीक है, क्या बन जाएगा sec थीटा के बाद में, अगर और क्या निकलेगा फिर tan थीटा। tan थीटा निकालोगे तो क्या बनेगा बताओ, ये जो एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन टू एक्स है प्लस वाली फॉर्मेट में, अब माइनस वाली फॉर्मेट में जस्ट ये उल्टा हो जाएगा, बस एक्स स्क्वायर माइनस वन नहीं, वन माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, वन माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन टू एक्स। ठीक है, बस ध्यान रखने इन चीज़ों को। दोनों का कॉम्बिनेशन क्या बनेगा, साइन थीटा। साइन थीटा बराबर ये है, उल्टा कर दो जस्ट, एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन बटा एक्स स्क्वायर प्लस वन है, इसको उल्टा लिखो, वन माइनस एक्स स्क्वायर लिखो, बस याद करने का तरीका बता रहा हूँ, वन माइनस एक्स स्क्वायर बटे वन प्लस एक्स स्क्वायर, क्योंकि इन पे क्वेश्चन कैसे भी आ सकता है एग्जाम, निकालने थोड़े ना बैठोगे। क्लियर है, तीन और तीन छः फॉर्मूले देखा जाए तो, बट छः नहीं, आप तो ये याद रखो, बाकी अपने आप याद हो जाएंगे सब कुछ। ठीक है, क्लियर है सभी के यहाँ तक। अब देखो अगली चीज, तीसरी फॉर्मेट, मान लो एग्जामिनर ऐसे दे दे कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा बराबर एक्स, कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा बराबर एक्स, सारे फॉर्मूले वे के वे रहेंगे। अगर कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा देगा तो क्या बनेगा, पहली चीज़ क्या निकालोगे, कोसेक थीटा, पहली चीज़ क्या निकालोगे, कोसेक थीटा बराबर क्या बनेगी, कोसेक थीटा बराबर सेम ऐसे कैसे, एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन टू एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन टू एक्स। दूसरी क्या निकलेगा यहाँ से, कोट थीटा, कोट थीटा निकलेगा, वो क्या निकलेगा, एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन टू एक्स, सेम रहेगा ऐसे कैसे। और थर्ड चीज़ क्या निकलेगी, यहाँ साइन निकला है तो यहाँ निकलेगा कोस थीटा, क्योंकि कोट थीटा में जब कोसेक थीटा का भाग लगाओगे तो आपके पास बचेगा कोस थीटा, और कोस थीटा बराबर क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन। यहाँ तक सभी के क्लियर हो गया होगा, तीन और तीन छः, यानी कि सेम इसी तरह ये के ये है, कुछ भी चेंजिंग नहीं है, देख लो सेम ऐसे कैसे सारे फॉर्मूले हैं, क्लियर है कि नहीं है। अब माइनस वाला आ जाएगा तो माइनस वाला पर लिख लो ना, लिख लेना, छोड़ना मत उसको, साथ के साथ पेज के बराबर में लिख लेना, चाहे चारों चीज़ एक साथ दिखेगी तो अच्छे से क्लियर रहेगी। लिख लेना कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा बराबर ये ऐसे कैसे, सिर्फ यहाँ चेंज कर देना, यहाँ कोसेक, यहाँ कोट और यहाँ कोस। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार नोट डाउन कर लो फटाफट सभी से कि ऐसा होगा तो क्या होगा। हो सकता है एग्जाम में डायरेक्ट कभी क्वेश्चंस भी आ जाता है कि ये बराबर एक्स है तो बताओ साइन थीटा बराबर क्या होगा, ऑप्शन में तीनों चीज़ होगी और आपको आंसर ये टिक करना होगा। समझ में आ रही है बातें, तो बहुत कुछ चीज़ें हैं, एक बार फटाफट नोट डाउन करो। चलिए एग्जाम में क्वेश्चंस मान लो ऐसे भी आ जाते हैं, अब मैं क्वेश्चंस कर रहा हूँ, थोड़ा सा देखो ध्यान देना कि यदि sec थीटा माइनस tan थीटा
बराबर एक्स है, ठीक है, या बराबर एम मान लो, ठीक है, एग्जाम में कन्फ्यूज करने के लिए कुछ भी दे सकता है। तब निम्न में से क्या सही होगा? पहला ऑप्शन होगा आपके पास में, तब तो आपसे पूछेगा टेन थीटा बराबर क्या होगा, टेन थीटा बराबर क्या होगा, ठीक है। सपोज कीजिए, या टेन थीटा की जगह आप ऐसे करो, आपसे पूछा जाएगा कोट थीटा बराबर क्या होगा, ठीक है, कोस थीटा बराबर, आपको मालूम, मैंने ये क्वेश्चन लिख दिया आपके सामने, कोस थीटा बराबर क्या होगा। क्वेश्चन कैसे भी आ सकते हैं, आपको कन्फ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी। ऑप्शन आपके सामने लिख रहा हूँ, एम स्क्वायर प्लस वन अपॉन टू एम, टू एम बटे एम स्क्वायर प्लस वन, एम स्क्वायर प्लस वन बटे एम स्क्वायर माइनस वन, डी नन ऑफ दीज, ठीक है। करेंगे क्वेश्चन सभी, सिंगल लाइन क्वेश्चन है, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आता है और आप डर जाते हो सर कैसे होगा, पता नहीं कहाँ से आंसर आएगा। बहुत सिंपल सिंपल चीज़ें हैं। इफ़ कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा बराबर एम, देन सेक थीटा बराबर क्या होगा। फर्स्ट ऑप्शन है एम स्क्वायर प्लस वन अपॉन एम स्क्वायर माइनस वन, एम स्क्वायर माइनस वन अपॉन एम स्क्वायर प्लस वन, वन प्लस एम स्क्वायर बटे वन माइनस एम स्क्वायर, और वन माइनस एम स्क्वायर बटे वन प्लस एम स्क्वायर। बताओ, आपके सामने ये चार दो क्वेश्चन लिखे मैंने, वो छोटे छोटे। अब क्या आप मुझे इनका आंसर दे सकते हैं? सिर्फ देखते ही आंसर, एग्जाम में आपके सामने ऐसा क्वेश्चन दिखता है और आप छोड़ के आ जाते हैं उनको, पता नहीं सर कैसे होगा, क्या तरीका था क्या नहीं था, हमने कभी ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी नहीं, पढ़ते तो समझ में आती है ना कि छोटी छोटी चीज़ें अक्सर तुम जो छोड़ के आते हो बच्चों जैसी चीज़ें होती है। बताओ, मेरे ख्याल से दोनों आंसर टिक कर देंगे आपने, ध्यान दो। sec थीटा माइनस टेन थीटा बराबर एम, cos थीटा पूछा है। अब पहले तो एक चीज़ आपके माइंड में आनी चाहिए कि यहाँ से निकलता क्या क्या है। एक तो sec हमने जो निकाली थी, तीन फॉर्मेट निकालते हैं हम इसके मेन, तो एक तो निकालते हैं sec, एक निकालते हैं tan, और एक निकालते हैं दूसरे कोण से निकालते हैं दोनों से मिला के sin, ठीक है। अब मुझे बताओ cos किससे आएगा? cos आएगा sec से, क्योंकि sec का उल्टा cos होता है, यानी मुझे तो इससे sec निकालनी है, और sec का सीधा सा फंडा होता है एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉइंट टू एक्स, तीन ही तो होता है एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन टू एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन टू एक्स, और एक्स स्क्वायर माइनस वन बटे एक्स स्क्वायर प्लस वन। ये तीन ही तो फॉर्मेट बनती है प्लस वाली फॉर्मेट में, ठीक है, लेकिन ये माइनस वाली फॉर्मेट है तो माइनस में तीन बनती है, एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन टू एक्स, वन माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस एक्स स्क्वायर बटा टू एक्स, तीसरी बनती है वन माइनस एक्स स्क्वायर बटा वन प्लस एक्स स्क्वायर। अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ से sec थीटा निकालना है तो इसके फॉर्मेट तो तीनों जगह सेम ही है, चाहे प्लस का हो चाहे माइनस का हो, क्या है एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉइंट टू एक्स। तो इसकी जो फॉर्मेट बनेगी वो बनेगी एम स्क्वायर, इसकी जो बनेगी वो बनेगी दोस्तों एम स्क्वायर प्लस वन अपॉन टू एम, किसकी, ये sec थीटा की बात कर रहा हूँ मैं इसके लिए, ठीक है, किसके बात कर रहा हूँ मैं sec थीटा की। बट आपसे sec थीटा नहीं पूछा, उसने क्या पूछा cos थीटा, तो cos थीटा पूछा तो जस्ट इसका क्या कर दोगे उल्टा, यानी क्या बन जाएगा cos थीटा के लिए टू एम बटा एम स्क्वायर प्लस वन, टू एम बटा एम स्क्वायर प्लस वन, आंसर ऑप्शन बी। बताओ कोई दिक्कत? अरे अच्छा लगे तो कुछ कमेंट तो कर दिया करो, साथ के साथ लाइव चैट चलती रहती है कि हाँ सर मज़ा आ गया वगैरह वगैरह जो भी है, ठीक है, क्लियर है सभी के यहाँ तक? अब देखो ये तो हो गया उस क्वेश्चन का आंसर, बताओ कितना ज़्यादा टफ था क्या ये? अगर तरीका पता है तो बिल्कुल भी टफ नहीं था। इसका ज़रा बताओ क्या होगा आंसर, कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा। आप सबसे पहले तो देखो ये चेक करो, प्लस वाली फॉर्मेट है, प्लस वाली फॉर्मेट है, और क्या चाहिए sec थीटा। पहले बताओ क्या डायरेक्ट sec थीटा आ सकता है कि तीन मेन फॉर्मेट याद करो, या तो कोसेक आएगा या कोट आएगा या कोस आएगा, ठीक है। हाँ कोस आएगा तो कोस को उल्टा करने पे सेक आएगा, यानी सबसे पहले आप क्या निकालो कोस थीटा याद करो, कोस थीटा क्या होगा। अब यहाँ से कोस थीटा जो होता था प्लस वाली फॉर्मेट में, जो तीसरी फॉर्मेट है कोस थीटा, को पहली कोस से दूसरी कोट तीसरी कोस, उसका मैंने बताया था एम स्क्वायर माइनस वन अपॉन एम स्क्वायर प्लस वन, लेकिन आपको सेक चाहिए तो सेक चाहिए तो जस्ट इसका उल्टा कर दो, क्या बन जाएगा एम स्क्वायर प्लस वन बटे एम स्क्वायर माइनस वन, खत्म। कौन सा ऑप्शन ठीक होगा ज़रा बताओ, sec थीटा के लिए एम स्क्वायर प्लस वन, ये रहा ऑप्शन नंबर एक, ठीक है। बताओ कोई दिक्कत नहीं है, आया कि मज़ा नहीं आया?
ऐसे ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं और मैं बताऊंगा अभी तो क्वेश्चन, ये तो मैं मेरी तरफ से बना के बता रहा हूँ, अभी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन भी लिखवाऊंगा मैं आपको, टेंशन मत लो। अगर ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन आपको क्या लगता है कि क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएंगे, एसएससी के एग्जाम देना देखने को मिलेंगे ये, ठीक है। चलो नेक्स्ट, आपके सामने में एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। हाँ, एक बहुत प्यारा क्वेश्चन और इजी भी है, ज़्यादा नहीं है। sec थीटा प्लस tan थीटा बराबर 5, आपको सारे फलन याद करने हैं, आप खुद करोगे फटाफट, आपके पास एक मिनट का टाइम है। इसमें sin थीटा भी पता करोगे, cos थीटा, tan थीटा, cot थीटा, sec थीटा, cosec थीटा, 6 के 6 पूरे फंक्शन पता करो क्या होंगे, आपको बराबर में 5 दिया हुआ है, फटाफट डू इट फास्ट। चलिए दोस्तों देखो, फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है, सबसे पहले sec थीटा पता कर लो तुम तो। sec थीटा बराबर होता है x स्क्वायर प्लस 1/2x, 5 का स्क्वायर प्लस 1/2x यानी कि 2 × 5। दिमाग के बस बत्ती इतनी जलनी चाहिए बस कि डायरेक्ट लिखो आंसर। 5 × 5 = 25 और एक 26 × 10 और 26 × 10 करते ये हो गया 13/5, खत्म। ये आ गया आपके पास sec थीटा। दूसरा निकालो यहाँ से tan थीटा। टेन थीटा बराबर आपके तुरंत दिमाग में आना चाहिए क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस 1/2x, 5 का स्क्वायर माइनस 1/2x, 5 × 5 = 25 जाएगा 24/10, 12/5, खत्म। तीसरी sec और tan से, tan होता है साइन बटे कोस, तो यानी साइन आएगा यहाँ से ना, sin थीटा। sin थीटा बराबर क्या बताया था, 5 का x² - 1/x² + 1, 5 × 5 = 25 और 1 = 24, 5 × 5 = 25 और 1 = 26, 12/13, ठीक है, क्लियर है सभी यहाँ तक, मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत होगी आपको, ठीक है। अब ध्यान दो, 3 आ गया। अब sec का उल्टा कर दोगे तो क्या बन जाएगा आपके पास में, cos थीटा बराबर कितना आ जाएगा, 5/13, ठीक है, एक ये आ गया। sin tan का उल्टा बन कर दोगे तो क्या मिल जाएगा आपको, cot थीटा कितना आ गया, 5/12। इसका उल्टा कर दोगे साइन का, साइन को उल्टा करोगे तो क्या बनेगा, कोसेक थीटा, 13/12, खत्म। कोई दिक्कत, इतने से भी दिक्कत आ रही है तो बता दो कि सर दिक्कत आ रही है हमें, हर चीज को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ पहले, फिर मैं आपको क्वेश्चंस पे लेके जा रहा हूँ, हर चीज को मैं एक्सप्लेन करके बता रहा हूँ पहले कि उसके पीछे लॉजिक क्या है, यहाँ तक कि लॉजिक को भी मैं खोल खोल के बता रहा हूँ, हर चीज को प्रूव करके बताया मैंने, क्लियर है सभी का यहाँ तक। एक और क्वेश्चन आपके सामने और आप करोगे उस क्वेश्चन को, sec थीटा माइनस tan थीटा बराबर 3, कर डालो फटाफट, कर डालो फटाफट। सब कुछ पता करना है, यही है ना, करो फटाफट, डू इट फास्ट, जल्दी करो जल्दी करो। चलिए देखो, ध्यान दो, sec थीटा माइनस वाली फॉर्मेट, sec थीटा के लिए तो आसान सी चीज़ है, एक्स स्क्वायर प्लस 1/2x यानी 3 का स्क्वायर प्लस 1/2x, ठीक है, 2 × 3, 3 × 3 = 9 और 1 = 10, 10/6 यानी 2 × 5 = 10, 2 × 3 = 6, कितना आंसर हो जाएगा, 5/3, तो इसका हो जाएगा 3/5 उल्टा, ठीक है, ये लो दो आंसर आ गए। tan थीटा के लिए क्या करते हो, प्लस वाली फॉर्मेट में होता है एक्स स्क्वायर माइनस 1/2x, इस बार माइनस वाली फॉर्मेट है तो होगा 1 − x² / 2x, 1 − x² / 2x, 3 × 3 = 9, 9 में से 1 = −8 और 3 × 2 = 6, 2 × 4 = 8, 2 × 3 = 6, −4/3, इसका आंसर हो जाएगा −3/4 उल्टा। sin थीटा के लिए क्या करते हो, 1 − x² / 1 + x²
माइनस का तीन तिया नौ में से एक जाएगा माइनस आठ, तीन तिया नौ और एक दस, माइनस का चार बट्टे पाँच, दो से कैंसिल कर दोगे ना तो ये हो जाएगा माइनस का पाँच बट्टे चार, खत्म, क्लियर, बस आंसर, बिल्कुल अब दिक्कत नहीं है। अब ऐसे ऐसे क्वेश्चन आप आराम से कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, आपका जवाब होगा बिल्कुल हम कर सकते हैं, चाहे कैसा भी आ जाए, ठीक है, कैसा भी क्वेश्चन आ जाए आप आराम से उस क्वेश्चन को बना सकते हो, ठीक है। ठीक है, नोट डाउन कर लिया होगा, लेकिन तो नोट डाउन करते रहा करो हर चीज़ को, ठीक है, वरना मेहनत जो कर रहे हो बेकार चली जाएगी। अब आपके सामने एक और फॉर्मेट भी बोल सकते हो उसको, क्वेश्चंस भी बोल सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो, कि एग्जाम में कैसे भी आ जाती है। मैंने आपके सामने एक क्वेश्चन के तौर पर लिखा कि ए साइन थीटा प्लस बी कोस थीटा बराबर एक्स है, ठीक है, और मैंने आपसे पूछा तो बताओ बी साइन थीटा माइनस ए कोस थीटा, चलो इसको बराबर मैंने लिख दिया वाई के, तब बताओ निम्न में से क्या सही होगा, तब निम्न में से क्या सही होगा, ठीक है। पहला ऑप्शन आपके सामने ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, सेकेंड ऑप्शन आपके सामने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। सी ऑप्शन आपके सामने ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर जीरो। डी ऑप्शन आपके सामने ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। आप बताएंगे कि निम्न में से क्या सही होगा, बताओ फटाफट बताओ। एग्जाम में सपोज करो ये क्वेश्चन आपके सामने आ गया, आप इसको फॉर्मेट भी बोल सकते हो क्योंकि इस पर क्वेश्चंस भी आ जाता है काफ़ी बार, यानी कि इनकी जगह कुछ संख्या दे देता है ए और बी की जगह, ठीक है, ए और बी की जगह कुछ संख्या दे देता है बराबर में दे देगा, और यानी कि देखो कितनी चीज़ है, एक दो तीन और चार चीज़ें, चार में से तीन दे देगा, एक पूछ लेगा कोई से भी, ठीक है। पहले मैं इसको डिस्कस करूंगा कि फॉर्मूला बना कहाँ से, इसलिए मैंने इस फॉर्मेट के तौर पर लिखा दिया कि बताओ ऐसा है तो तब इनमें से क्या सही होगा, ठीक है। देखो जब भी ऐसे फॉर्मेट आ जाए तो आपको यही ध्यान रखना है पहला ऑप्शन कि इसका आंसर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। वैसे बाकी कैसे आया मैं इसको प्रूफ करके बता रहा हूँ, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्लियर है चीज़ें। अब कहाँ से आया ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये ऑप्शन मैं क्लियर कर रहा हूँ, ठीक है, देखो ध्यान दो, ये दो इक्वेशन आपके पास दी हुई है, दो इक्वेशन आपके पास दी हुई है और दो इक्वेशन आपके पास दी हुई है, तो क्या कर रहा हूँ मैं दोनों इक्वेशन का स्क्वायर करके दोनों को ऐड कर रहा हूँ, ठीक है, स्क्वायर करके। जब आप इसका स्क्वायर करोगे दोस्तों तो मुझे बताओ, जब आप इसका स्क्वायर करोगे तो कुछ इस प्रकार ही बनेगा, ठीक है, और जब आप इसका स्क्वायर करोगे यानी इसका स्क्वायर करोगे, इसका स्क्वायर करके इसके स्क्वायर में ऐड करोगे नहीं करोगे, और इधर से इसको स्क्वायर करके इसके स्क्वायर में ऐड करोगे, इसका स्क्वायर करोगे तो ये बनेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसको खोलोगे तो ए स्क्वायर, सबसे पहले a का स्क्वायर करो तो क्या बनेगा, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस में टू ए बी साइन थीटा इंटू कोस थीटा, ये बनेगा नहीं बनेगा बोलो, क्लियर है सभी यहाँ तक। अब ये इसको किस में ऐड करोगे, इसके होल स्क्वायर में, इसके होल स्क्वायर में ऐड करोगे तो ये है a माइनस बी का होल स्क्वायर, जरा खोलो क्या बनेगा, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा माइनस टू ए बी साइन थीटा इंटू कोस थीटा, साइन थीटा इंटू कोस थीटा बराबर में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, टू ए बी साइन थीटा कोस थीटा से टू ए बी साइन थीटा कोस थीटा कट जाएगा, ठीक है, इन दोनों को जोड़ रहे हैं ना, इसका होल स्क्वायर ये, इसका होल स्क्वायर ये, दोनों को जोड़ रहे हैं। अब देखो ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, ये सबसे पहले इन दोनों में से कॉमन निकालो, आप देखो ये दिख रहा है सभी को, एक ये और एक ये, इन दोनों में से क्या कॉमन मिल रहा है आपको, ए स्क्वायर, दोनों जुड़े तो रहे हैं तो यहाँ क्या बचेगा, ओनली साइन स्क्वायर थीटा, इसमें क्या बचेगा, कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है, एक इसमें और एक इसमें क्या कॉमन मिल रहा है आपको, बी स्क्वायर, बी स्क्वायर कॉमन मिल रहा है तो प्लस बी स्क्वायर बाहर निकालो, क्या बचेगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा,
साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, और बराबर में क्या बच रहा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा कितना होता है वन, वन को ए ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे तो ए स्क्वायर आएगा, प्लस ये वन वन को बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे तो बी स्क्वायर आएगा, बराबर में क्या बच रहा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। खत्म, ये आ गया आपके पास। बोलो, वैसे आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है, क्लियर ध्यान रखना, ए साइन थीटा प्लस बी कोस थीटा, आप एक बार इसको नोट डाउन करो, मैं बताऊंगा। ये क्वेश्चन में स्क्वायर नहीं है ना भाई, स्क्वायर तो मैंने सोल्व करने के लिए इसको स्क्वायर किया है, ठीक है, क्लियर है सभी का ये, फटाफट नोट डाउन करो एक बार सभी यार, फटाफट करो जल्दी। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक सभी के? एक एक चीज़ को ध्यान रखो, कोई दिक्कत नहीं है, यानी कि आपको एग्ज़ाम में ये देखा, फिर मैं दोबारा एक बार बता दूँ, दोबारा से चीज़ों को सीखने का प्रयास करो, बस एग्ज़ाम में आपको ये देगा वो, अगर एग्ज़ाम में आपको ऐसे दे देता है तो ये ध्यान रखना, थोड़ा सा बराबर में कुछ भी एक्स और वाई की जगह पी और क्यू भी दे सकता है, तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर हो जाएगा। इधर ध्यान रखना ए के साथ साइन थीटा है तो साइन थीटा कोस थीटा, साइन थीटा कोस थीटा, ये प्लस वाली फॉर्मेट होगी, ये माइनस वाली फॉर्मेट होगी। एक ध्यान रखना, जो यहाँ साइन का मल्टीप्लाई है, जो यहाँ साइन का मल्टीपल है वो यहाँ पे कोस का मल्टीपल बनेगा, जो यहाँ कोस का मल्टीपल था वो साइन का मल्टीपल बन जाएगा दूसरी फॉर्मेट में, क्लियर है? तो क्या ध्यान रखोगे कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के, ठीक है, कोई दिक्कत, एक आंसर खत्म। अब मैं इस पे क्वेश्चंस कैसे आते हैं सर वो बताओ हमें, तो देखो क्वेश्चंस लिखने जा रहा हूँ, इस पे क्वेश्चंस कैसे आते हैं जान दो। पहला क्वेश्चन आप लिखोगे तीन साइन थीटा प्लस फोर कोस थीटा, तीन साइन थीटा प्लस फोर कोस थीटा इज इक्वल टू नाइन बाई टू, नाइन बाई टू, ठीक है, और आपसे पूछा जा रहा है फोर साइन थीटा माइनस थ्री कोस थीटा की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आपके सामने दिखेगा एग्जाम में और आप सोचोगे पता नहीं कैसे करेंगे, अब बता चुका हूँ मैं कॉन्सेप्ट कैसे होगा, जल्दी करो फटाफट कर दो, तो आंसर लगा दो यार। इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर बराबर इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, इसको एक्स मान लो आप, अपने आप आंसर आ जाएगा। चलिए दोस्तों ध्यान दो, क्या बताया, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर करोगे और बराबर में क्या कर दोगे नाइन बाई टू का स्क्वायर, और प्लस इसका मान चाहिए यानी इसको मानने माने एक्स का स्क्वायर, ठीक है, बस एक्स के वैल्यू निकाल दोगे, तो सोल्व करना तो आप जानते होंगे अच्छे से, तीन का स्क्वायर नौ, चार का स्क्वायर सोलह, नौ का स्क्वायर इक्यासी बटा चार और प्लस में एक्स स्क्वायर, ठीक है, तो बताओ सोलह और नौ पच्चीस, पच्चीस माइनस इक्यासी बटा चार बराबर में एक्स स्क्वायर, पच्चीस चौके सौ, सौ में से इक्यासी जाएगा क्या बचेगा उन्नीस बटा चार एक्स स्क्वायर, ठीक है, तो आपको तो एक्स की वैल्यू चाहिए, तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा प्लस माइनस रूट उन्नीस बटा चार का रूट आ जाएगा दो, ये आपका आंसर आ जाएगा। ख़त्म, बताओ कुछ ज़्यादा टफ था कि बिल्कुल टफ नहीं था, नोट डाउन करो फटाफट, फिर अगला क्वेश्चन आप लोग करोगे। क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट नोट डाउन कर लिया ना फटाफट। चलिए नेक्स्ट, देखो मैं तो ये कह रहा हूँ अभी रफ कॉपी लेके बैठा करो, अब रफ कॉपी में करो, उसके बाद आप दोबारा से इनको फेयर में क्या करो, आराम से वीडियो रहता है, कोई दिक्कत आती है तो आप देख लो, बाकी रफ से करने का प्रयास करो कि क्या था क्या नहीं था, इससे मैं बता रहा हूँ ना ट्रिग्नोमेट्री बहुत कंप्लीट हो जाएगी आपकी, बहुत अच्छी हो जाएगी, दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है, बेसिक तो कम से कम कंप्लीट होगा आपका, ठीक है, बाकी क्वेश्चन सीरीज तो हम स्टार्ट करेंगे, बाकी क्वेश्चन तो मैं करवा रहा हूँ वैसे भी साथ के साथ कुछ, तो आपके सामने एक क्वेश्चन और लिखा है मैंने, साइन थीटा प्लस कोस थीटा इज इक्वल टू
पाँच बटे चार, ठीक है बस। और मैंने आपसे पूछा साइन थीटा माइनस कोस थीटा बराबर क्या होगा, बताओ लो, सिंपल क्वेश्चन है बिल्कुल, बताइए फटाफट। ठीक है देखिए, अब आप सोचोगे सर यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं, अरे कुछ नहीं तो एक तो है ना, एक तो मानोगे ना, एक तो बताओ, एक का स्क्वायर प्लस एक का स्क्वायर बराबर पाँच बटा चार का स्क्वायर और प्लस एक्स का स्क्वायर, एक का स्क्वायर एक, एक का स्क्वायर एक हो गया दो, एक और एक दो, पाँच का स्क्वायर पच्चीस, चार का स्क्वायर सोलह, तो माइनस पच्चीस बटे सोलह इधर आके माइनस हो जाएगा, बराबर क्या बचा एक्स स्क्वायर, सोलह दो ना बत्तीस, बत्तीस में से पच्चीस जाएगा सात बटे सोलह बराबर एक्स स्क्वायर, इसको सोल्व करोगे तो एक्स बराबर प्लस माइनस रूट सात और सोलह का रूट होता है चार, प्लस माइनस रूट सात बटे चार, खत्म आंसर, क्लियर है सभी के, आया मजा, बताओ ये फॉर्मेट है, इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, कोई दिक्कत किसी को। नेक्स्ट, अब एक चीज़ और सबसे प्यारी मैं बताने जा रहा हूँ, सुनना ध्यान से, उस चीज़ को ज़रा ध्यान से सुनना बस, क्योंकि एग्ज़ाम में वो चीज़ 50 तरीके से घुमा के पूछ सकता है, मजाक नहीं कर रहा हूँ, 50 तरीके से, देखो ध्यान दो, आपके सामने मैंने एक प्यारा सा क्वेश्चन लिखा कि यदि ए बी व सी किसी त्रिभुज के तीन कोण हैं, बस तब ए बी सी किसी त्रिभुज के तीन कोण है, तब कुछ भी पूछ सकता है वो एग्जाम में, तब क्या क्या पूछ सकता है सुनो ध्यान से, टेन ए प्लस बी बाई टू क्या होगा, साइन ए, देखो अब मैं ऐसा लिख दूँ शॉर्ट में, टेन ए प्लस बी बाई टू क्या होगा, टेन बी प्लस सी बटा दो क्या होगा, टेन सी प्लस ए बटा दो किसके बराबर होगा, साइन ए प्लस बी बटा दो किसके बराबर होगा, साइन बी प्लस सी बटा दो किसके बराबर होगा, साइन सी प्लस ए बटा दो किसके बराबर होगा, ऐसे कोस में, ऐसे टेन में, ऐसे ही कोट दे देगा, ऐसे ही सेक दे देगा, ऐसे ही कोसेक दे देगा, कुछ भी पूछ सकता है, कहाँ तक करोगे आप, यस और नो, सीधा सा सिस्टम बताऊँगा, सीधा सा तरीका बताऊँगा, आप उसको ध्यान रखोगे, ये टेंथ क्लास के एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन है, आपने अगर पढ़ा हो, ये टेंथ क्लास के एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन है, ठीक है, एग्जाम में आता है ये इस फॉर्मेट पे, अब ध्यान दो मैं बता रहा हूँ तब क्या क्या हो सकता है, मैं आपसे तो ओनली ये पूछ रहा हूँ कि सेक ए प्लस बी बटा दो बराबर क्या होगा बस, ठीक है, बाकी मैं बताऊँगा सब कुछ की करना क्या है। सबसे पहले मैं इसका सॉल्यूशन कर रहा हूँ, कैसे क्या होगा, देखो ध्यान दो, अगर त्रिभुज ए बी सी में ये कोण ए है, ये कोण बी है, ये कोण सी है, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होगा मेरे भाई, 180 डिग्री, ठीक है, अब इसके अनुसार मुझे ए प्लस बी चाहिए तो सी को उधर ट्रांसफ़र करो, तो ए प्लस बी बराबर क्या हो गया 180 माइनस सी, उसके साथ बटा दो चाहिए तो दोनों तरफ बटा दो का डिवाइड करोगे तो क्या बनेगा, ए प्लस बी बटा दो 180 डिग्री माइनस सी बटा दो, बनेगा नहीं बनेगा, तो ए प्लस बी बटा दो बराबर 180 में दो का भाग लगाओगे 90 डिग्री माइनस सी बाई टू, ठीक है, अब इसके साथ आपको क्या चाहिए सेक, तो दोनों तरफ सेक ले लो, सेक ए प्लस बी बटा दो बराबर सेक 90 डिग्री माइनस सी बाई टू, ठीक है, सेक ए प्लस बी बटा दो इसको तो आपको वैल्यू चाहिए ना कि ये किसके बराबर होगा, ठीक है, तो सेक 90 माइनस सी 90, अच्छा एक मिनट, 180 में दो का भाग 90 हो गया ना ये, तो इसके नीचे इसको हट जाएगा ना, ओनली सी के नीचे बटा दो, ठीक है, अब मुझे बताओ सेक 90 माइनस थीटा का काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये सेक 90 माइनस सी बाई टू यानी सेक 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है, कोसेक थीटा, तो कोसेक सी बाई टू, कोसेक सी बाई टू ये किसके बराबर आएगा, अगर ऑप्शन में आपको लिखा होगा कोसेक सी बाई टू तो वो टिक करना था बस, सेक ए प्लस बी बटा दो पूछा तो किसके बराबर आया, कोसेक सी बटा दो के बराबर, एक बार इसको नोट डाउन करो, बाकी अब मैं बताऊंगा कि आपको करना कैसे है, आपको जब भी ऐसा क्वेश्चन बोले आप बिना क्वेश्चन को सोल्व करें सिर्फ देखते ही आंसर टिक करोगे क्या होगा इसका आंसर, क्लियर है सिर्फ यहाँ तक, चलो अब मैं आपको सामने लिखने जा रहा हूँ, देखो कैसे करना है एग्जाम में, कुछ भी पूछ सकता है आपसे, वो इच्छा हो
तो वो पूछ सकता है साइन ए प्लस बी बटा दो भी, उसकी इच्छा हो तो आपसे ये भी पूछ सकता है साइन बी प्लस सी बटा दो, उसकी इच्छा हो तो आपसे ये भी पूछ सकता है साइन सी प्लस ए बटा दो, ठीक है, उसकी इच्छा हो तो आपसे कोट ए प्लस बी बटा दो भी पूछ सकता है, उसकी इच्छा हो कोट बी प्लस सी बटा दो भी पूछ सकता है, उसकी इच्छा हो कोट सी प्लस ए बटा दो भी पूछ, कुछ भी पूछ सकता है। मैंने अभी आपके सामने ये लिखा है, ठीक है, इनसे समझ जाओगे आपके आंसर कैसे देना, ठीक है। अगर आपसे ऐसा पूछे तो कुछ नहीं करना, अपोजिट फंक्शन ध्यान है सभी को, अपोजिट फंक्शन ध्यान है सभी को, अपोजिट की बात नहीं सॉरी चेंजिंग फंक्शन ध्यान है, कौन किस में चेंज होता है, साइन किस में चेंज होता है, कोस में, बस वो ध्यान होना चाहिए, साइन किस में चेंज होता है, कोस में, टेन किस में होता है, कोट में, कोट किस में होता है, टेन में, सेक किस में होता है, कोसेक में, कोसेक किस में होता है, सेक में, बस। अगर साइन है तो साइन किस में चेंज होता है, कोस में, आंसर देना है कोस में। अब थीटा एंगल के कितना लिखोगे, ए प्लस बी बटा दो ना, तो ए और बी दोनों आ गए, बच गया सी सी बटा दो, ठीक है, तो इनका आंसर होगा कोस, ए बी और सी आ गया, बच गया ए ए बटा दो, साइन बदलेगा कोस में, ए और सी आ गया, बच गया बी बटा दो, आंसर आ गए तीनों, ठीक है, तीनों का तीन आंसर हो गए। कोट किस में चेंज होता है, टेन में, तो टेन की फॉर्मेट में आंसर देने हैं सभी के, जिस जिसमें फंक्शन चेंज होता है ना उसी फॉर्मेट में आंसर आएंगे, और जो एंगल बच गया उसका हाफ लिख दो डायरेक्ट, ए और बी आ गया तो बच गया सी बाई टू, बी और सी आ गया तो बच गया ए बाई टू, ए और सी आ गया तो बच गया बी बाई टू, खत्म, बस। एग्जाम में ऐसे टिक करना है, क्योंकि एग्जाम में कैसे भी एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे, नोट डाउन करो फटाफट एक बार सभी। क्लियर है सभी के? मैं तो ये कह रहा हूँ कि बाकी जो बच गया ना वो भी लिख लेना यार, क्योंकि प्रैक्टिस कभी बेकार नहीं जाती है, नोट्स दिखेंगे, अच्छे दिखेंगे जब आप पढ़ने बैठोगे। अच्छा, एक चीज़ से इतनी सारी चीज़ें हो गई, आप पे कॉन्फिडेंस जागेगा हर चीज़ को, एक कॉन्फिडेंस जो डेवलप करने की चीज़ होती है ना वो आपके में अपने आप होती है, ठीक है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसको कर पाते हो या नहीं कर पाते हो। क्लियर है सभी के यहाँ तक? अब देखिए दोस्तों, यहाँ तक सभी के क्लियर होगा मेरे हिसाब से, उम्मीद करता हूँ सभी के अच्छा समझ में आया होगा, ठीक है। मैं फिर कह रहा हूँ, मेरी गारंटी है, मैं मुझे पता है मैं क्या पढ़ा रहा हूँ, अच्छा पढ़ा रहा हूँ, अगर आप मेरी गारंटी है ढंग से पढ़ो बेटा, पढ़ना तो पड़ेगा तुम्हें, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, मेरे से नहीं तो किसी और से सही, बस पढ़ो, लेकिन जगह जगह मत भागो। अभी सोच रहे हो आराम कर लेते हैं, दो मूवी देख लेते हैं, पढ़ने में जोर आता है अक्सर, मैं बात बताऊँ फैक्ट ये है, लेकिन मैं कुछ नहीं है, जोर आने में कुछ नहीं रखा, पढ़ाई कर लो कुछ दिन, नौकरी लग जाओगे, छः महीने तैयारी कर लोगे ढंग से, आराम से ज़िंदगी सेट हो जाएगी, बाकी लाइफ कुछ भी करो बाकी के टाइम में, ठीक है, तो पढ़ाई के टाइम में पढ़ाई करो, मेरे तो इतना ही कहना है, और वही कहूँगा लाइक शेयर सब्सक्राइब, ठीक है दोस्तों, थैंक यू, गुड लक, गुड बाय।